राम राम साहब, मैं राजेंद्र राजपूत, कैमरामैन दिनेश प्रताप के साथ थे, देख रहे हमारा सन टाइम्स। आपको अपना चैनल ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और आज आप हाँ भादरा SDM कार्यालय, SDM कार्यालय में आज कुछ ग्रामीण आया है महेंद्र जी गुजर के नेतृत्व में, जो वर्तमान के अंदर लंपी स्किन डिसीज जो गाया के अंदर एक भयंकर रोग आ रही है, जिनके कारण दुधारू पशु है जगह के घर में गाय है या आवारा गाय है या छोटा पशु है, लगातार वह बीमारियों में पीड़ित है और लगातार जो मृत्यु दर है वह लगातार बढ़ने लग रही है। इनकी रोकथाम खातर सरकार फिलहाल कोई कदम को नहीं उठायो और मैं हूँ परेशान हो गए। आज आ ज्ञापन दिए और के सिलसिला हो ज्ञापन दिए मैंने पूछांगा और बात करांगा अपना अपने सके एडवोकेट धर्मपाल जी है, महेंद्र जी गुज्जर है और बेरवाल साहब है। महेंद्र जी राम राम। राम राम साहब, राम राम। के विषय में ज्ञापन दिए साहब आज हमने SDM साहिबा को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है, जो लंपी बीमारी है गायों में आई हुई उसके संबंध में ज्ञापन दिया है हमने। महेंद्र जी के मांग करिए क्योंकि लगातार देख रहे हैं कोई रोकथाम को नहीं होने लग रही, लगातार बीमारी के प्रकोप बढ़ने लग रही है, गायों की हालत है वह बदतर होने जाने लग रही। जी जी, हमने ये मांग रखी है। एक तो जो वेटरनरी कंपाउंडर हैं जो छुट्टी पे चले गए हैं, स्ट्राइक कर दी, मेरा भी उनसे निवेदन है मानवता के नाते कि भाई ये जो गायों में बीमारी आई हुई है इसके कोई रोकथाम के लिए दवाई तो नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं हम कुछ न कुछ दवाई दे के उनको बचाया जा सके, उनसे बीमारी से निजात दिला सके। इस संबंध में हमने SDM साहिबा को CM साहब के नाम ज्ञापन दिया है और ये अपील की है CM साहब से कि किसान का पहले खेती बाड़ी का एक ही काम था और अब किसान ने क्या साइड, हर व्यक्ति का एक साइड बिजनेस होता है, किसान का कोई साइड बिजनेस नहीं था और किसान ने एक दुधारू पशु लेके अपना साइड बिजनेस अपनाया, जो अपने दूध को बेच करके अपने घर को चलाना, बच्चों का लालन पालन करना, वो कार्य चल रहा था और ऐसी प्रकृति ने ऐसी मात दे दी कि रोज़ाना गांव में गाय 2, 4, 6, 10 गाय रोज़ाना मर रही है। तो हम सरकार से ये भी मांग की है कभी किसानों को इस बात का मुआवजा मिले, जो गाय मर रही है, जो दुधारू पशु मर रहे हैं उनको मुआवजा मिले। अपने सगे धर्मपाल जी भी आऊँ बात कराँगा। धर्मपाल जी राम राम साहब। हाँ राम राम। धर्मपाल जी अभी ज्ञापन दे गया हो मैडम बात करी, तो वर्तमान में अपने भादरा के अंदर जो स्थिति दयनीय और ये केवा बात रखी हुई थी आगे। बिल्कुल बिल्कुल रखी है, गांव में बहुत ही दर्दनाक मौत होने लग रही है गायों की, तो पशुपालक वहाँ देख कौन सका इतनी दयनीय स्थिति है पशुओं की, तो मैं निवेदन करे कंपाउंडर और बातचीत करो और बन रोटी पर लियाओ कुछ राहत मिल सके। मतलब वर्तमान में जो कंपाउंडर स्ट्राइक पर जा रहे हैं, मांग बड़ी मांग है बा रखी है कि बन दोबारा ड्यूटी पर। बिल्कुल, मुख्य मुद्दा यही है कि वो उनका उपचार करें और जैसे तैसे उनकी दयनीय स्थिति है वो ठीक हो सके, और दूसरा ये है कि वो उनको कंपनसेट करे तो किसान दोबारा पशु ले सके, अपना बिजनेस चला सके और अच्छी तरह से जीवन जी सके। धर्मपाल जी एक बात और है, क्योंकि दवाई अब तक कोई कारगर साबित को नहीं हुई, बिंग अलावा जो आवारा पशु है वह में ज़्यादा ये देखने में मिल रहे, बाकी संभाल भी को नहीं होने लग रही, कई बार देखा रोड पर तड़फती छोड़े, तो बिंग के लिए भी कोई टीम गठित की कोई मांग रखी होगी। बिल्कुल कही है जी, यह बात मुख्य मुद्दा यही है कि आप पशुएँ किया तियाँ कर गए और जन सेवा रूम में आ ले गए और आमजनों ही अपील करे जा कभी सहयोग करे। मतलब कोई दवाई वर्तमान अपने भादरा के अंदर जो डॉक्टर्स की टीम है, कहीं दवाई कोई अवेलेबल करवाई है जो फ्री ऑफ कॉस्ट या कोई कारगर? ना साहब, डॉक्टर साहब बातचीत करी लेकिन वह कहीं इसी कोई दवाई को नहीं जो कारगर साबित हो रही है। तो मतलब यहाँ पर कोई राय दी भी के चीज़ देश को चीज़, क्योंकि लगभग अपना ग्रामीण क्षेत्र में देखा कि गाय गो दूध है जो एक जरियो बन रही है घर चलाने को, क्योंकि कई लोगों में डेयरी फार्म वगैरह कर रखे हैं, भाई सबसे ज़्यादा पीड़ित है और वह पीड़ित लोग बन कोई समझ में को नहीं आने लग रही भी के तरिया की दवाई दे के तरिया नहीं करे, तो इसी कोई दवाई अभी जी बात करिए लेकिन डॉक्टर तो अभी यही कहना है कि हमारे पास कोई इसका उपचार अभी नहीं है। मतलब डॉक्टर साहब कही बिल्कुल साफ इनकार कर देगा हमारे पास इसका कोई उपचार नहीं है अभी तक। बहुत बहुत धन्यवाद अपने सगे प्रहलाद जी बेरवाल है, भूतपूर्व सरपंच है, ए भी समय समय पर जो है चीज़ हम काम सामाजिक काम में आगे। सरपंच साहब राम राम। राम राम आपको धन्यवाद। सरपंच साहब सेवा सुसरो में आगे रहो, लेकिन वर्तमान में गाय है वह पीड़ित है, तो बिंग लिए थे थारे स्तर पर के कुछ मतलब सोचे हो या टीम वगैरह बनाने की या गाँव स्तर पर या तहसील स्तर पर कुछ? हर गाँव में टीम होनी चाहिए बढ़िया युवा साथियों की, और जो वर्तमान सरपंच है उन सरपंचों को आगे पूरी सरकार में इसकी मांग करनी चाहिए, क्योंकि गांव में बहुत से लोग गरीब होते हैं, वो गौए से अपना घर चलाते हैं, उसके ज़मीन नहीं होती है,
उनसे गाँव के, क्योंकि मैं आपको यह भी बता दूं कि मैं वर्तमान दूध का काम करता हूं, तो एक घर में कम से कम 1000 रुपयों का दूध प्रतिदिन होता है, और आज के उसके घर में खाने के लिए व्यवस्था नहीं रही है। वो बार बार फ़ोन भी कर रहे हैं, हम भी इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा उसमें क्या योगदान हो सकता है। सरकार से मांग है कि जिनके पशु मरे हैं उनको किसी भी प्रकार से मुआवजा दिया जाए, जिस प्रकार खेती में दिया जाता है, अन्य कई बार ये आपातकाल आ जाती है उसमें दिया जाता है। अब स्थिति यह है कि गऊ मर रही है तो गऊ आगे मिलेगी भी नहीं, और जो दोबारा गऊ गरीब आदमी वो किस प्रकार से खरीदेगा। इसलिए हमारे राजस्थान सरकार से, यहाँ के विधायक से मांग है कि जो गरीब लोग हैं उनकी गांव में टीम बनाकर ग्राम पंचायत द्वारा उसकी सर्वे करवा कर उसकी सर्वे कर जाने के किस किस की गांव मरी है। और सरपंच साहब थे दूध को काम कर रहे हो, तो एम एक बात बड़ी सामने आई है कि दूध आरोप पशु है वो दूध सुखा जाएगा, दूध मतलब बिल्कुल खत्म हो जाए, बात सही है? हाँ जमा सही है जी, क्योंकि हम उन घरों से दूध पहले आते थे, उन घरों से दूध मिल नहीं रहा है, उनको दोबारा हमारे दोबारा उनको दोबारा गाला जा रहा है, क्योंकि तो मतलब वो दूध जो को पीवे भी नुकसान है या फिर आई का अफवाह मात्र चल रही है। ये तो अफवाह है, दूध को सुंदर तरिया गर्म करना चाहिए। ये ऊपर से बात डॉक्टर से हुई, उन्होंने कहा है कि इसके दूध में कोई ऐसा कोई कीटाणु नहीं है, और जो गर्म करना जरूरी बता रहे हैं। सरपंच साहब एक बात और है कि मैं 2 दिन पहले गया, आज भादरा में एक अस्थाई गौशाला बना रखी है, वह भी सेवा कर रहे हैं, तो ऐ तरिया की कोई और पहल करना चाहो हमारे चैनल के माध्यम अपील करना चाहो, क्योंकि थे समाज सेवा में अग्रणी रहो, भी ऐ तरिया कोई गांव क्षेत्र में अगर कोई जगह मिल रही है बड़े बांगी सेवा करो या और करो, कोई अपील करना चाहो? देखो पूरी पंचायत में गाँव की कोई समस्या है तो मैं मेरी पंचायत में तो कर सकता हूँ, क्योंकि पूरी भादरा में तो हो सकती नहीं है, इसलिए मेरे युवा साथियों से, जो कोरोना काल में बहुत से लोग आगे आए थे, किसी ने आटा दिया, किसी ने किसी प्रकार चीज़ का सहयोग किया, तो उस बीमारी में क्या फ़र्क है, इसमें भी जो भामाशाह है उनको सहयोग कर गौ माता जो फिर रही हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। अपने साथ महेंद्र जी हूँ, एक बात और ले आऊंगा महेंद्र जी अपने साथ। महेंद्र जी पिछले टाइम में राज्य सरकार की एक योजना चली जो क्या मैं गायांगों पशुओं बीमो करवाए गए हो जी जी, कि भाई योजना थोड़ी सी निगाह में लेके आया थे या भाई योजना मतलब गर्त में चली गई? नहीं नहीं बिल्कुल गर्त में नहीं गई है, वही योजना है और जैसा आप बता रहे हो बीमा किया गया पशुओं का, बिल्कुल बीमा किया गया है, और उसी आधार पे हमने भी सरकार से निवेदन किया है, और हम जयपुर भी जाएंगे और सीएम हाउस जाके ये बात अवगत भी करवाएंगे। महेंद्र जी एक बड़ी समस्या है कि जब घर घर जाके सर्वे हो रही है बीमा करेगी, कुछ लोगों को पे राजस्थान सरकार करे जरता है हमारी जानकारी है, तो अब वहाँ लोगों ने किया मतलब लाभ मिला या किया बेरो पटे के थारे पशु को बीमा राज्य सरकार वहन कर चुकी है? देखिए वो तो जो यहाँ वेटरनरी डॉक्टर हैं जो गांव में चिकित्सालय पशु चिकित्सालय खुले हैं उनके माध्यम से उनको पता चलेगा, तो ऐ मामले में थोड़ा सा आगे बढ़ा के जागरूक करोगा, क्योंकि लोगों ने स्थाई बेरो कौन भी थारो बीमो हो नहीं हो आज के घर में एकमात्र या कैस का रोजगार को साधन हो, क्योंकि जो सरपंच साहब बता रहे हैं कि डेयरी को काम करे तो जगह लोग दूध वहाँ घर चला हुआ बने किया बेरो पटेगा चीज़ों, क्योंकि कई प्रोसेस हुए पोस्टमार्टम वगैरह कराना पड़े आजकल के गौ जिया ही हुए तो लोग दवाइया करिया हुआ चीज़ का, तो ऐ मामले में थोड़ा बिल्कुल इस मामले में हालांकि इतनी ज़्यादा तादाद में गाय मर रही है पोस्टमार्टम तो शायद नहीं हो सकता है संभव है, लेकिन वो रिकॉर्ड संग्रहित कर रहे हैं भी जिन जिन वो उनकी जैसे वो इलाज कर रहे हैं अपने मार्गदर्शन में इलाज कर रहे हैं, या उनको मैं बताना चाहता हूं कि जो गांव में जो पशु बीमार है जो पशु चिकित्सालय है वहां के डॉक्टर हैं उनको वाकायदा नोट करवाएं कि हमारा पशु बीमार है हमारी गाय बीमार है, और वाकायदा वो नोट करते हैं जैसा भी होता है वो उपचार कर रहे हैं, और जैसे भी उनको लगा कि पशु ठीक हो गया वो ठीक है, अगर पशु किसी पशु की गाय की जान चली गई तो वो नोट करते हैं वाकायदा, रिकॉर्ड मेंटेन है उनका। बहुत बहुत धन्यवाद जी महेंद्र जी, आपने साथ यहाँ बताया है कि जल्द ही जयपुर भी जाओगे और सीएम साहब मांग करेगा कि जो बीमे की जो बात है वह मैंने उठावेगा, और बिंग अलावा गांव स्तर पर अपील करी है कि टीम बना के जो गाय है बांगा इलाज करवाया जावे, बिंग अलावा जो दुधारू पशु है बांगी भी केयर करी जावे, क्योंकि कई घर ऐसा है जगह दूध के ऊपर आश्रित है। सरपंच साहब भी बताइए, धर्मपाल जी भी बताइए, एक बड़ी मांग ले गई जयपुर भी जाने की तैयारी करिए। अगर थाना वीडियो अच्छी लगे ज़्यादा लाइक और शेयर करो, ताकि जो आज वर्तमान स्थिति है वो निपटन खातिर एक बड़ी मुहिम चाल कर एक टीम तैयार हो सके। धन्यवाद।